शामदी नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत मैं हूं शहजा रजा आज कौमी असेंबली ने अदालती एंड टू बी स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल मंजूर कर लिया है इस बिल में जो असलाहत मुतारफ़ कराई गई हैं वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब अपनी सवाबदीद पर सू मोटो नोटिस नहीं ले सकेंगे इसके लिए एक तीन रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शामिल होंगे और वो इस चीज़ का तयन करेंगे कि किसी मसले पर अगर सू मोटो बनता है या नहीं बनता है इसके साथ साथ बेंच की तश्की, तश्कील भी इसी कमेटी की स्वाबदीद होगी कि वह बेंच में किस तरीके से बनाती है यह मामला शुरू हुआ जब अस खुद नोटिस जो पंजाब और के पी सूबाई असम्बलियों के इंतजाम नबे रोज के अंदर कराने का जो सवाल था उस पर पैदा हुआ जिस पर चार जजेस ने इस पर लिखा कि सूमोटो नहीं बनता और हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये बेंच इन केसेस को सुन रहा है उसके माबैन भी आपस में इख्तलाफ राय नजर आई और आज भी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कई नकात उठाए और कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है उनको मौसू नहीं हुआ और इसके साथ साथ अगर यह फैसला जो दो जजेस की राय उसमें शामिल की जाए तो चार तीन का बनता है इस पर उन्होंने काफी इस पर अपने रिमार्क्स दिया ऑब्जर्वेशन दी जब वो इस केस की समाध कर रहे थे अलॉन्ग अदर जजेस जिसकी सरबराई बेंच की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूकेश नाइक ने बात जो की और कहा कि पहले इस चीज का फैसला होना चाहिए कि अस खुद नोटिस जो दोनों सूबाई इसम्बली के इंतबा के हवाले से था क्या उसका फ़ैसला चार तीन से था या दो तीन से ये बुनियादी नुकता है और इसके ऊपर ही सारी का सारे जो जो इस वक्त मामला है उसका दारो मदार है और बेहतर है कि फुल कोर्ट बनाया जाए अगरचे समाज जो है वो कल साढ़े ग्यारह बजे तक मुलतवी कर दी गई है लेकिन जो बाकी जो वकला हैं अपनी अपनी राय पर पे पेश करें पाकिस्तान तहरीक साफ का एक अपना मौक़ है लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये अगर बिल का मुसवदा मंजूर हुआ है या जो पीडीएम के रहनुमा बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे बुनियाद बना रहे हैं जजेस के उन रिमार्क्स को या फैसलों को जिन्होंने अपने चार जजेस ने ये फैसले मुख्तर या तफसी तहरीर किए लेकिन आज फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया उन्होंने जस्टिस मंदूखेल साहब पर एक झाती हमला भी किया एक तरह से और देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये यू टर्न है किसी जज के बारे में ये बात और ऐसी जबान इस्तेमाल करना शायद मुनासिब ना हो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और ये भी कहा कि बहादुर बने कमजोर ना बने तो ये इंप्रेशन या तसुर देने की पाकिस्तान तहरीक इन कोशिश कर रही है कि वो जज साहिबान जो चीफ जस्टिस और दीगर दो जजसबान की राय से अख्तलाफ रखते हैं शायद वो प्रेशर में आके कोई ऐसी बात कर रहे हैं हम ये यकीन करते हैं ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी आज जैसे हमने देखा कि केस की समाधत हुई आगे मामला चला और अब देखते हैं कि कल जब केस की समाधान दोबारा शुरू होगी तो उस पर क्या नुकता जो है वो जेर बहस आएगा और क्या इसका फैसला हो पाएगा इमरान खान साहब के नाकाबले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं एक बार फिर और अगले महीने उनको तलब किया है अदालत ने ये वो केस है कि जिसमें उन्होंने एक खातून जज को धमकी दी थी जिसकी बुनियाद पर अदालत ने उन्होंने तलब किया लेकिन बार बार तलबी के वो तशरीफ नहीं लाएजल गुफ्तु करते हैं, कर हैं। स्टूडियो में तजिया कार हैं बहुत शुक्रिया बैरिस्टर है माहिर कानून साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का राना एहसान अफजल साहब मामले खसूसी है वजी अजम पाकिस्तान के हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है शुक्रिया आपका भी निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बाकी हजरा की इजाजत से अगर खोड़ो साहब के पास में जाऊँ खोड़ो साहब बिंग अ वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन आज जो ये बिल मंजूर हुआ Uh, कहा जाता है कि पार्लियमान जो है वो अपना जो अपनी ताकत है अपना अख्तियार है उसको जर्ट नहीं करती इस्तेमाल नहीं करती जिसकी वजह से दीगर इदारों को ये ये शायद स्पेस मिल जाती है कि वो अपने जो आइन में हदूद मुतन किए हैं उससे बढ़ कर भी कोई फैसला करें या काम करें आपके ख्याल में ये एक अच्छा खुशगवार आगाज़ हो सकता है कि जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है वो बिल आखिर अपनी जथॉर्टी है उसको इंप्लीमेंट करना उसने आगाज़ कर दिया है निसार खोड़ो साहब मुल्क और हुकूमत इसी आइन पर ही चलती है आइन में जो लिखा हुआ है उस पर हुकूमत काम करने की पाबंद है पार्लियामेंट उसके काम करने की पाबंद है पार्लियामेंट को जब सुप्रीम बना दिया गया जरदारी साहब के ज़माने में जब अठारहवीं तरमीम हुई और सारे सदारती अख्तारत कट करके और पार्लियामेंट के तरफ दे दिए गए तो पार्लियामेंट को किसी ने रोका नहीं था आईन पर चलने से अपनी वो अथॉरिटी अपनी वो रिट अपनी वो आईनी इस्तेमाल करने का पार्लियामेंट को पूरा हक होना चाहिए और था और किसी ने कंट्रोल नहीं किया था क्योंकि ये सारी सिविलियन हुकूमतें चल रही थी कोई मार्शलाइज दौर नहीं था कि पार्लियामेंट के कदगर लग तो फिर ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि कि किसी को अख्तियार मिला है या नहीं मिला अख्तियार है उस पर अमल करे जी अच्छा लेकिन अमल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया लेकिन आप नहीं समझते मेरी आवाज मेरी, 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 मेरी का एको है रिपीट हो रहा है जी आई एम सॉरी इसको हम ठीक कर लेते हैं लेकिन सवाल एक पूछना यहाँ पे आपसे मैं जरूर चाहूंगा साहब कि अभी ये जो चार जजेस ने अपना जो एक फैसला लिखा है और उसमें अस खुद नोटिस के ऊपर बात की है और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तफसी फैसला लिखा और उसमें अस खुद नोटिस के बारे में कहा कि इससे वन मैन शो नहीं होना चाहिए तो क्या उस फैसले से फिर हम समझेंगे को कोई तकवियत मिली है क्योंकि अगर पार्लियमान के पास अथॉरिटी है तो ये इस फैसले से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था ठीक <coughs> है <coughs> 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 हमारे ये जजेस का जो फैसला सामने आया है ये जुडिशरी के अंदर से अख्तलाफ को जाहिर करता है और ये अख्तलाफा हमने पैदा नहीं किए उनके अपने रवैयों ने पैदा किए और अगर उनके रवैयों ने अख्तलाफा पैदा किए हैं ये पहली दफा नहीं हुआ इफ्तार चौधरी साहब चीफ जस्टिस को बहाल किया गया उसने अपने बेट के बेटे के, के केस को खुद सुना तो इतनी नाराज हुई बार काउंसिल के उनके सामने आने से बाइकऑट कर दिया ये रवैयों की बात है आज भी अगर जुडिशरी में कुछ लोगों का रवैया कुछ दूसरी तरह से है तो हर एक जज को आजादाना हक हासिल है अपनी राय के इजहार का अब तो वो अखबार में भी आ गई अखबार में आ गई मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई अब पब्लिक प्रॉपर्टी पर राय जनी भी हो सकती है लेकिन ये जुडिशरी से अगर दो मोज जज साहबान इस तरह का राय इजहार करते हैं तो फिर रवैया तो देखना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि गवर्नमेंट वो है कि प्राइम मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट सूबे का वजीर आला और गवर्नमेंट सूबे की है कि चीफ मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट तो फिर मेरा एक सियासी वर्कर के हिस्से से सवाल होता है कि चीफ जस्टिस विथ हिज कैबिनेट वो क्यों नहीं होना चाहिए मशावरत जमहूरियत का हिस्सा है कलेक्टिविज्म जमूरीत का दूसरा रुख है अगर ये कमेटी बनी है कि सूओ मोटो पर आपस में मशावरत करके और सू मोटो लेंगे मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसी कबाहत तो नहीं बिल्कुल आपने ये किसी अख्तियार छीनने की बात नहीं है जजों ने कहा कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए अब उसमें मेरी राय शामिल हो या ना हो लेकिन यह बात आ चुकी है आया हो चुकी है कि भाई इस तरह की फीलिंग है जुडिशरी में बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक और फिर यह भी कहते यह भी कहा जाता है कि फैसला वो है जो कहीं कंटेस्ट ना हो सके लेकिन इस पर तो आवाजें चली कि रिव्यू आवाजें चली कि फुल बेंच बनाओ आवाजें चली कि सू मोटो लेना नहीं चाहिए आवाजें चली कि हाई कोर्ट के अख्तियार को किया जा रहा है अब जब इस तरह के रवैये कभी आए तो फिर ये कानून को हरकत में आना में आने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए महसूस नहीं करनी चाहिए बिल्कुल ठीक सर मैं वापस आता हूँ राना साहब ये फरमाइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया कि हो सकता है जो यकम मार्च का फैसला था उसको समझने में कोई गलती हो गई उन्होंने अपने तय उसकी तश्रीह की उसको समझा और इम्प्लीमेंट किया जिसके बाद उन्होंने वो शेड्यूल जारी किया अब हुकूमत क्या समझती है कि ये फैसला जो था ये चार तीन से था अगर ऐसी बात है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना या बाकी बातें तो वो इेलिवेंट हो जाती हैं तो हुकूमत का इस पर क्या है कि आप भी यही मुतालबा रखते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए या आप समझते हैं कि ये केस ही खत्म हो चुका है देखिए हमारा मौकाफ तो थ्रू आउट यही रहा जब ये फैसला आया भी तो हमने कहा कि ये फोर थ्री का फैसला है लेकिन फिर भी मामला आगे बढ़े और अभी भी जो ये सुनवाई हो रही है वो इसी बेसिस पे हो रही है कि ये थ्री टू का फैसला है लेकिन आज की बहस ने इस चीज़ को अया कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो जारी नहीं किया गया और ये फोर थ्री का फैसला है और जो जज साहब है देखें प्रेसिडेंट भी ऐसा है तो अब ये अगर ये चीज अब अगर इस्टेब्लिश हो गई है आज तो फिर तो मैं समझता हूँ असूली तौर तो पर तो जो है ये रद्द हो गया फिर ये मामला सो मोटो ही रद्द हो गया और फिर जो ई सी पी ने जो आ, दी इलेक्शन की डेट वो भी उन्होंने ना समझी में दी कि इस फैसले को वो समझ नहीं सके और फिर सारा मामला लेकिन क्योंकि ये चीजें हो चुकी हैं तो जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यही कहा है कि अगर फुल कोर्ट अगर आपने कंटिन्यू करना है अगर ये कल सुनवाई होती है तो इसका मतलब है कि फिर वो फोर थ्री के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो अगर सुनवाई होती है तो फिर आप फुल कोर्ट में बैठाएं और अगर फुल कोर्ट यानी कि मिनिमल तो ये है कि फिर वो सात मेंबर्स का कोर्ट हो और अगर वो नहीं हो सकता तो फुल कोर्ट हो तो ये बेसिक हमारी डिमांड है और यही डिमांड रही है अब अब लेकिन तो एक चीज मुझे समझ ये मामला तो चलें, अदालत में गया आप नहीं लेके गए अस खुद नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया लेकिन ये तो सरासर बिल्कुल एक इंतजामी मामला है इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की स्वाब दीद है और उसकी मावनत करना आइन के तहत दीगर इदारों का हक फर्ज है सवाल यह है कि जब आप समझते हैं कि आइन पाकिस्तान हाफिज कुरान को बीस इजाफी नंबर देने से मुतालिक अज खुद नोटिस अहम ख़बर से आपको आगाह करें फैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद बनाने का इख्तियार रखती है अदालत की जानब से ये कहा गया है और ये फैसला दो एक की अक्सरियत से सुनाया गया आपको बताएं कि अदालत की जानब से कहा गया है कि कवायद बनाने तक मुकदमा की समात को एक सौ चौरासी तीन के तहत मक्खर कर दिया जाए मजीद तफ़ील क्या है क्या अपडेट्स हैं जानेंगे एजाज हुसैन से एजाज़ हुसैन फैसला जारी कर दिया गया है क्या तफसीत हैं फैसले की ये ऐसा है कि खसूस बेंच तश्ल दिया गया था जो कि एक हाफे कुरान को बीस इजाफी नंबर देने से मुताल था ये चौदह माह पहले जो है वो आज खुद नोटिस दिया गया था जिसके बाद एक खसूस बेंच बनाया गया जिस पर जस्टिस खाजिफाजा जो कि इस तीन रुपी बेंच के सरब्राह हैं उन्होंने भी एतराज़ उठाया और उनका यह कहना था की खसूस बेंच तश्ल नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर रेगुलर बेंचेस मौजूद हैं तो उनके सामने मुकदमा की समात होनी चाहिए उनका ये कहना है कि जो फैसले के अंदर भी लिखा गया है कि उन्नीस सौ अस्सी के जो कवायद हैं उसमें खसूस बेंच की इजाजत नहीं दी जाती और ना ही इस किस्म का कोई तस्वर मौजूद है और जो मुकदमे की समाज है वो भी एक बजे के बाद रखी गई जो कि बेंच जो 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 कि सुप्रीम कोर्ट में समात के अख्ताम का वक्त है साथ ही साथ ये कहा गया है उन्होंने उन्होंने ये भी कहा है कि कवायद बनाना जरूरी है और जब तक ये कवायद नहीं बनते जो एक सौ चौरासी टीम के तहत अहम मुकदमत हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हैं उनकी समात मौख कर दी जाए ये तीन अपनी खसूसी बेंच था और साथ इस पर पहले भी जस्टिस जीसा ने इतराज़ किया था और ये कहा था कि मुख्तलिफ से जो है वो जजेस को उठा कर एक नया बेंच तश्ल दे दिया जाता है जबकि जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होते हैं वो मौजूद होते हैं तो इसके बावजूद जो है खूसी बेंच बनाया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि अगर मुकदमा की समाप्त होना जरूरी है कोई बहुत ही जरूरी है तो ये तो उसकी समात के लिए बड़ा बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है फुल कोर्ट भी तश्कील दी जा सकती है साथ ये भी कहा है कि चौदह माह से मुकदम, मुकदमा मुकदमा जेर समात था आज कुछ नोटिस जो था ये समाज था इसमें ऐसी क्या आई होगी कि जिसके लिए खसूस बेंच बनाना पड़ा और ये मामला उसके सामने रखा गया ये तीन दो एक ही एक्सरिये से फैसला है जिससे शाहिद वहीद जो कि तीन रुकनी बेंच के रुकन थे उन्होंने इतलाफी नोट तहरीर किया है जी बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन तफसीत से आगाह कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक अज खुद नोटिस का फैसला जारी किया गया है ये फैसला दो एक की अक्सरियत से जारी किया गया है चीफ जस्टिस को ये इख्तियार नहीं कि बेंच की तशकील के बाद किसी भी जज को इलहदा कर दें यह फैसला किया गया है और फैसले में यह भी कहा गया है कि कवायद बनाने तक मुकदमा की जो समात है उसे एक सौ चौरासी तीन के तहत मखर कर दिया जाए ये थी पी टी वी ताज़ा तरीन Royal के स्टाइलिश डिजाइन हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग ये कौन संभालेगा अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे रॉयल साथ जिंदगी भर। अगर वफाक में हुकूमत हमारी होगी नीचे सूबों में इलेक्शन होंगे कल सूबों में हुकूमत किसी और की होगी वफाक में इलेक्शन होंगे तो ये तो सियासी इंतजार या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप बुनियाद रख रहे हैं नॉर्मल इलेक्शन यहाँ तस्लीम नहीं होता किसी और की होगी इलेक्शन के अंदर वो हावी होंगे ये तो लड़ाई झगड़े का आप एक नया एक आगाज एक नया इला शुरू करने जा रहे हैं तो हरा मौका क्लियर है उसके बाद देखिए हमने जो हरी हुकूमत की तरजीह है जो हमारे हमारी हुकूमत के जो इश्यूज़ हैं वो हमने ईसीपी को बता दिए हमारे पास अभी फंड्स के भी इश्यूज़ हैं हमारे पास सेंसस चल रहा है सेंसस के अंदर हम मावनत कर रहे हैं या तो हम वहां से जो रिसोर्सेज हैं वो वो खत्म कर दें उसको बंद कर दें डॉक्टर मैं, मैं सीमी बुखारी साहब ने भी ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की रहन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बैरस्टर साहब आपसे मैं सवाल करूंगा इससे पहले कि मैं आगा साहब और डॉक्टर सीमी साहिबा के पास जाऊँ की अब ये जो असलाहती बिल कौमी असम्बली में आया है ये जस्टिस मंसूर अली शाह का जो पूरा एक तफसी फैसला है उसकी रोशनी में जो है ये बात अगर हुई है तो इससे आप समझते हैं कि अदालती मामला में बेहतरी होगी बींगर ऑफ़ द लीगल फ्रटर्निटी बार्स जो हैं वो मुतमिन होंगी इस किस्म की असलाहत से बिस्मान शजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया इस जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है इसके चार एस्पेक्ट्स हैं एक इसका आइनी एस्पेक्ट है एक इसका सियासी एस्पेक्ट है एक इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग है उसका एक एस्पेक्ट है और चौथा इसके अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन करवाने से मुतल जिसकी तरफ आपने इशारा किया है उसकी तरफ है अगर पहले एस्पेक्ट की तरफ ये आया जाए तो पाकिस्तान का जो आइन है उसके 270 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और सबसे ज़्यादा जो डिबेट या कंट्रोवर्शियल या पावर्स के मुतिक जो आर्टिकल है जिस पर बहस होती रही है वो वन एटी है हालांकि ये आर्टिकल ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक एड ऑन जो रिज्रिक्शन है कि जिसके अंदर अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई चीज़ वाइलेशन हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई कर सके और उसके लिए आपको हाई कोर्ट की जाने की भी ज़रूरत नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली भी आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ख़ुद भी कॉगनीजेंस ले सकती है और ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये प्रोगेटिव था और अभी भी चूंकि लॉ अभी एक स्टेज पर आया दूसरी स्टेज पर नहीं आया वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्ररोगेटिव है लेकिन इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम ये आई वो प्रॉब्लम ये आई कि हमारे जो पॉलिटिकल क्वेश्चन थे जिनको पार्लियामेंट के अंदर या थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन के हल होना चाहिए था हम उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हम खुद लेके गए पॉलिटिशियंस वन एटी फोर थ्री के अंदर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको वन एटी फोर थ्री के अंदर किया और जब भी किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली किसी भी अदालत के अंदर जाने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ के ऊपर लाइकिंग और डिसलाइकिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है और स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर के जिसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी वीक है और जिसके अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और हिस्ट्री भी और हिस्ट्री भी इस चीज के अंदर है अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब वो चीजें आई हैं, इन्हीं ने अब आपने देखा कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो इसी दोनों पेटिशंस आई वो वन एटी फोर थ्री के अंदर फारिग हुए अभी जो चीफ जस्टिस है इन्होंने अभी तक सिर्फ दो सौ मोटो लिए इस साल 2023 के अंदर एक है और 2022 के अंदर तीन सौ मोटो है लेकिन चूंकि बार बार आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस रिजोल्व नहीं करते आपकी पार्लियामेंट जो है वो डिसीजंस नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं है तो उसके लेकिन साथ पहले या... माजी में कभी कभार हमें भी अच्छा लगता था हाँ। जब वो एक एक्टिविज्म का दौर हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ जस्टिस चौधरी साहब और जिस तरह के वो लेते थे कि गरीब लोगों के बारे में या फिर जस्टिस साहब निसार ने उसको एक और स्टेज वही ले वहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई असल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जस्टिस अफज्ला साहब के दौर के अंदर जो चीफ जस्टिस थे उन्हीं के दौर के अंदर जिसको आप सो मोटो कह लें बाद के अंदर जाके जुडिशल एक्टिविज्म का नाम दिया गया ये सारी चीजें उसके अंदर स्टार्ट हुई हैं लेकिन जो एक चीज ये है कि हमारी बार एसोसिएशन चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल है या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या जो एक ऐसा तबका जिसका इस जस्टिस रिलेटेड से वो हमेशा से यही कहता रहा है कि वन एटी को रेगुलेट किया जाना चाहिए और इसके अंदर राइट ऑफ अपील देना चाहिए अब जो सात अमेंडमेंट्स इसके अंदर लेके आई है जो 191 के अंदर ये चीज आई है मेरा इसके अंदर ये है कि जब एक पब्लिक डिमांड भी थी बार एसोसिएशन भी थी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरनली इस इशू इस इस को रिजॉल्व करना चाहिए था थ्रू फुल कोर्ट रेफरेंस थे और अपने जो आ, 1980 के रूल्स हैं अब एक टाइमिंग एक इशू आया है अब इस इशू के अंदर अल्टीमेटली चीजें अच्छी आई हैं इस चीज के अंदर कि आपने कमेटी भी बनाई है आपने राइट ऑफ अपील right. भी दिया है आपने उसके अंदर यह भी कहा लेकिन जो इफेक्ट इस चीज का आएगा कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर फिर आपने एक सेक्शन सेवन किया है तो इस चीज की जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा बिल्कुल ठीक आगा साहब आगा साहब ये जो आज अदालती का बिल मंजूर हुआ है Uh, मतलब ये तो एक चीज़ है जो आपने ठीक करने की को कोशिश और बेतहाशा चीज़ें इसके साथ रिलेटेड है खास तौर पर सुपीरियर जुडिशरी से जो चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके ख्याल में इट्स बिगनिंग की हम चीज़ों को ठीक करने की तरफ़ बढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है कि बिगनिंग को होना चाहिए शाह साहब मैंने उन्नीस सौ दो में एक आर्टिकल लिखा जिसपे मैंने यही बात जो वन अपना वन की बात हो रही है उस पर साफ लिखा विदाउट प्रेजीज टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल नाइनटीन नाइनटी नाइन सुप्रीम कोर्ट शैल सुप्रीम चीफ जस्टिस नहीं है मैंने तब भी ये बात की कि आप इसको भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी पावर चीफ जस्टिस के पास कैसे चली गई लेकिन इस इस, इस मीन चीफ जस्टिस लेकिन इस आर्टिकल के तहत जो प्रोसीजर ले डाउन होने थे वो नहीं हुए इस, मैं यही कह रहा हूं सु, सु, सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस है मेरा ये इशू था मेरे पे बहुत हीट आई मैंने इसमें एक ये इशू किया था कि ये सुबह वोटों की ताकत एक आदमी के पास क्यों है और सेकेंडली मैंने कहा था कि आप एक सिविल जज रखते हैं या एक मजिस्ट्रेट रखते हैं वो तो एक प्रॉपर एक थ्रू प्रौ, प्रॉपर चैनल उसका एक वो एक बैठता है एग्जामिनेशन में बैठता है उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं उसके बाद वो होता है नीचे से आप कार्डर बनाते हैं और यकदम कार्डर जाके ब्रेक हो जाता है और यकदम हाई जुडिशरी में एक आदमी ने दस साल का एक्सपीरियंस है आप उसको उठाकर देते हैं जी बिल्कुल तो ये बातें तो होनी है ये कभी ना कभी तो आनी थी तो आपके ख्याल में जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है इसी तरह कहू मैं जनाब मैंने दो एम ए किए और मुझे चौंतीस साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे आप इंफॉर्मेशन लगा दे लगाएंगे आप कभी नहीं लगाएंगे आप उस प्रोसेस से निकल के नहीं आए आपको नहीं लगाया जा सकता लेकिन एक आदमी जो किस दस साल अगर उसके प्रैक्टिस हो गए आप उसे जज लगा देते हैं तो ये तो उसमें हुआ ही तो है बुरा बुराना मनाएगा दीगर जो कुछ जदीद हैं पे ममालिकमहूरियत मजबूत है वहां पे भी ये प्रैक्टिस चलती है वो चले हम मैं तो अपने मुल्की, अपने डी एन ए की बात कर रहा हूँ ना बात ये है कि ये क्यों हुआ हुआ कि जितने भी हमारी सुपर क्लास है ना सुपर क्लास में बहुत सारे कंपोनेंट है तमाम ने अपने अपने चुना चुने हुए लोगों को आगे किया लोगों का ये ख्याल है मैं गलत भी हो सकता लोगों का ये ख्याल है इस पे एक चीज़ और है अगर वहां पे तो पता है, कि ये रिपब्लिकन जज, है ये जज है वो, तो, exactly, तो पूरी, पूरी पूरी वो, वो तकरीबन सात हजार आदमी से ऊपर साथ लेकर आता है प्रेसिडेंट वो सिस्टम ही और है उसमें फिर ये आपकी सेक्रेटरी कहते हैं तो वो भी तो कोई कार्डर नहीं है ना उनका अच्छा पीटीआई ये कहती है कि ये जो बिल है ये अदलिया की आम या कमजोर करने या उनको प्रेशराइज करने के लिए पीटीआई का एक आप बहुत अच्छी पता चले आप उस चीज का भी लेना चाहिए कि एक की एक मार्केट में आई हुई है कि एक आदमी जो कि पुलिस वांटेड आदमी था जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी वो उनके घर में मौजूद है और वो कहते हैं बेफिक्र बदा मेरे पास है उस ऑडियो की फोरेंसिक कराने के लिए भी तो आना चाहिए ना ठीक चल डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा ये जो गुफ्तु अभी हो रही है जो बिल आज मुतारफ़ कराया गया कौमी असम्बली में बल्कि पास हो गया और अब ये सैनेट और फिर प्रेजीडेंट साहब के पास जाएगा तो इस लात की तो ज़रूरत है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ आ रही है कि जी इस प्रोसीजर को बेहतर होना चाहिए ताकि जो हम इस किस्म के हालात देख रहे हैं या तनकीद जो अदालत पर होती है वो ना हो सो राइट राइट स्टेप इन द रट डायरेक्शन वट डू यू थिंक डॉक्टर सीमी देखिए देखिए डेफिनेटली रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत हमेशा और जिस तरह से कुछ फैसले लोगों को लगता है कि कुछ है। लेकिन uh, ये अचानक से जो कल ही सडनली जो कैबिनेट ने डि, डि, डिसाइड किया कि हम ये करते हैं, तो इनकी पसंद नहीं आ रही ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अवल तो लिया क्यों इलेक्शंस के ऊपर सिर्फ इस से है कि ये करवाना नहीं अच्छा डॉक्टर साहब तो तो सवाल पूछ लूं जी जी एक सवाल ये कि आपने भी कहा कि हुकूमत की या ट्रेजरी मेंबर्स की मेलाफाइडी जाहिर हो रही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है और ऑलमोस्ट यही पॉइंट रेस किए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे फिर देखिए राय तो होती है लेकिन मैं ये बात ये करूंगी कि जब ट्रेजरी अदालत में चीफ जस्टिस ने खोली थी उस वक्त उन्होंने तो उठाया कि पहले खाली चीफ जस्टिस कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये अब नहीं या नहीं रहेगी या रहेगी तो उस वक्त तो नहीं था वो तो अदालत के सामने केस लेके जाया गया था लेकिन मैं ये अदब से पूछना चाहूंगा कि हुकूमत अगर ये काम करेगी तो मेलाफाइड इंटेंशन है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीर करेंगे अपने फैसले में तो है तो ये थोड़ा सा मैं

होना तो कहीं पे भी नहीं चाहिए लेकिन होता है ये देखिए जिस तरह से आर्मी में भी एक चीफ होते हैं सबसे ज्यादा जो पावरफुल या डिसीजन मेकर तो वही होते हैं इसी तरह जजेज में जुडिशरी में भी हर जगह पूरी दुनिया में एक चीफ जस्टिस आपने लेकिन जिस तरह अभी ब्रिस्टर साहब ने बात की क्या वो उनकी

Uh, ये वन मैन शो वर्सेस कलेक्टिव विजडम की जो डिबेट एकदम से शुरू हुई है और उसके बाद ये बिल आया है आपके ख्याल में ये हेल्दी डिबेट है कि डिबेट हमें करनी चाहिए कुछ ऐसी चीजें थी माजी में जिनके ऊपर हम गुफ्तु नहीं करते थे पब्लिकली निसार खोड़ो साहब अल्लाह के वजूद के अलावा हर चीज पर डिबेट करनी चाहिए हम इस पर यकीन रखते हैं ये सियासत है ये पार्लियामेंट है ये जमुईत है ये इसमें ही पार्लियामेंट का तब होता है जब हुकूमत भी हो और अपोजिशन भी हो और अपोजिशन अगर कमज़ोर है तो फिर उनका कसूर है ठीक है इसलिए डिबेट करना मैं समझता हूँ मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जी किसी के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए इदारों के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए ये बात गलत है डिबेट होनी चाहिए पाकिस्तान सबको प्यारा है इस लिहाज से जहाँ कहीं भी कुछ बड़ी बात हो यह मैं कलेक्टिव विजडम की ज्यादा बेहतर चीज समझता हूं से देखें, मैं तो फिर बहुत कुछ कह सकता हूं मुझे तो जवाब चाहिए कि फोर और थ्री का जज का जो फैसला था भुट्टो साहब का फांसी का रेफरेंस भेजा अभी तक जवाब क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर तीन दिन में फैसले कर सकती है हमने बाकायदा रेफरेंस भेजा है उसका जवाब नहीं आ रहा कहीं तो कोई ड्रॉ करेंगे ना लाइन कहीं तो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए ना अब जजेस टोटली इंडिपेंडेंट है वो अपॉइंट वो करते हैं प्रोमोशन वो करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई जिक्र करना नहीं चाहता सब कुछ उन्होंने कर दिया है तो हम उनको बाकायदा वाक़ता एक आजाद इधारा चाहिए आज क्यों एक सवाल है अभी आपने थोड़ी देर पहले तो लिया गया जी जी एक सवाल की बात कही गई कि जी नवे दिन में हो... जी नहीं, एक, सव... एक सेकंड मेरी ये दो, दो मिनट बात कर लें नवे दिन का जिक्र किया गया इलेक्शन के लिए हुक्म अदा किया गया तो फिर इलेक्शन कमीशन को यह क्यों कहा गया कि जी सदर साहब से और गवर्नर के पी से मशवरा करें और मशवरे के लिए इलेक्शन कमीशन ने तीन डेट्स दी तो सदर साहब ने नवे दिन का ख्याल नहीं किया कि नवे दिन तो से नहीं मतलब बढ़ जाते 110 दिन हो जाते सदर साहब ने नवे दिन से अख्तियार आगे क्यों बढ़ाए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मावरा आइन कोई कदम और लिख सकते हैं क्या सदर साहब इलेक्शन कमीशन को वो सु... समरी वापस नहीं भेज सकते थे कि आपने यह गलत डेट्स क्यों दी हैं जब आपने गुंजाइश रखी है तो फिर आप खफा क्यों हो रहे हो मत खफा हो केपी ने अभी तक डेट नहीं दी अभी उसने रिक्वेस्ट कर ली कि आठ अक्टूबर को कराओ अगर मुशावरत की गुंजाइश आपने फैसले में खुद रखी तो इलेक्शन कमीशन जो अख्तियार रखती है इलेक्शन कराने का उस पर बरम होने की क्या जरूरत है वो अगर तीस अप्रैल को नहीं करा सकता जुलाई में करता जून में करता फिर उस वक्त कहते थे मैं अभी भी मुलतवी कर सकता हूं आठ अक्टूबर को करूंगा तो फिर क्या करते गुंजाइश तो आपने खुद रखी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुंजाइश थी इसलिए यह सारा कुछ हुआ है कि तीस अप्रैल को इलेक्शन जो नवे दिन से ज्यादा टाइम है या केपी में अभी इलेक्शन का टाइम ही नहीं आया उन्होंने खुद कह दिया मैं कहता हूं सदर साहब को किसने कहा था कि नवे दिन से आगे बढ़े उससे क्यों नहीं कोई सवाल पूछ रहा सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है कि आप सदर साहब के ऑर्डर को बायपास कर रहे हो अरे सदर साहब ने क्यों नहीं समरी वापस भेजी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ये सारे सवाल उठते हैं ये सारा बहस होता है ये बहस में ही कोई रास्ता निकलता है जैसे अभी बहस चली रास्ता निकला कानून बना बिल्कुल ठीक। निसार कोड़ो साहब मैं वापिस आता हूँ इसी अहम कानून साजी के तहत जो माजी में सूमोटो नोटिस लिए गए उन पर फैसले हुए और अगर किसी को हुकूमत को रियासत को या किसी फर्द वाहद को एतराज हो जिसकी वजह से वो पार्टी है तो क्या आप समझते हैं कि उन फैसलों पर भी अब नजर षानी होनी चाहिए और जो जो है इस 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 इस, इस, इस आपके असलाहत के तहत वो फायदा उठा सकते हैं और उसको उठाना चाहिए स्पेशली पॉलिटिशन अपील का राइट तो अब उसको मिली है <coughs> <उसको> <coughs> तो जो है तो ये ये राइट तो अब बन गया देखिए इसके ऊपर मेरा बड़ा सिंपल सा मौकफ है किसी भी आदमी के पास डिक्टेटोरियल राइ, राइट नहीं होने चाहिए कि वो जो मर्जी करे और कोई क्वेश्चन ना कर सके और देखें कलेक्टिव विजडम में ही भलाई होती है किसी भी इदारे की वजीर आजम साहब भी जो हैं वो कुछ भी नहीं है जब तक काबीना उनके फैसलों को इंडोर्स नहीं कर सकती है और इसी तरीके से जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो चलती है देखिए देखिये का जो रिवाज है वो कहीं भी उस तरीके से नहीं होता होता दुनिया में में जिस तरह पाकिस्तान में होता है और सोओ मोटो यहाँ तो मक्खी उड़ने पे भी सोओ मोटो लिया गया तो ये 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 जो ब्लैक ईराज हैं सोओ मोटोज के वो देखे गए और मिस हुए और अब वो, वो, वो उस उन वक्तों को जो है वो पूरी पाकिस्तान की जो लॉयर uh, कम्युनिटी है वो वो हाईलाइट करती है तो यहां तो एक बेहतरी हुई और ये कहना कि ये अभी क्यों आया और कैसे क्यों आया ये जो कानून है ये हमारी हम हमारी हुकूमत तो हुई पे ये तो आने वाली हुकूमतों को भी बेनिफिट करेगा ये तो आने वाले मामला को भी बेनिफिट करेगा तो ये जो अमेंडमेंट है ये आज के लिए नहीं है ये तो कल के लिए है तो मैं समझता हूं कि लेट आई ये तो शायद 10-15 साल पहले आनी चाहिए थी तो शायद मुल्क के हालात ही कुछ और हो शायद जहां मुल्क जिस नहज पे पहुंचा है शायद यहां पहुंचता ही ना तो मैं समझता हूं कि जब भी ये ये चीज जब आई है तो हमें इसको अप्रीशिएट करना चाहिए है और कोई अथॉरिटी कोई पावर सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई सिर्फ कलेक्टिव विजडम का एक पहलू उसमें डाला गया है जिससे तीन जहां एक जहन था अब तीन जहन होंगे जहां एक की डिसीजन मेकिंग थी वहां कलेक्टिव फैसले होंगे तो फैसले पायदार होंगे और एक और लेकिन लेकिन एक बात यह कि जब आप किसी इदारे के बारे में फैसला हुआ है मतलब सुप्रीम कोर्ट अदलिया का हाईएस्ट एक इदारा है क्वेश्चन इसके उनके ये प्रोसीजरल एक इशू है जो इस वक्त कौमी असम्बली के बिल की वजह से जो है इसको इसको उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है लेकिन अब ये जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मेलाफाइडी इंटेंट के साथ इसको बिल को लेके आया गया तो ये भी कभी इम्कान है कि कोई शख्स इसको चैलेंज करने की कोशिश करे सुप्रीम कोर्ट में और ये क्वेश्चन दोबारा जज साहिबान के सामने चला जाए कि आया ये जो बिल है ये मतलब कोई मुतम तो नहीं है या कि नेक नेकनी से ही वाकई इसको जो वाकईली में पेश किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एक रुकावट आप, आ सकती है जो नहीं नहीं कोई रुकावट नहीं आ सकती शिके है आप उनको पढ़ें और अगर वो वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है तो वो वो एक्सेप्टेबल है देखिए आज जो सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो फोर थ्री है या फाइव थ्री टू है यानी कि अगर ये बेसिक फैसला नहीं हो पा रहा तो इतना बड़ा डिवाइड आ गया है तो फिर मैं समझता हूं कि ये तर, तरामीन तो दे आर मोस्ट वेलकम ये होने चाहिए थे ये पहले होने चाहिए थे ये लेट आए हैं अल्लाह का शुक्र है अब भी आ गए इसको हर एक को वेलकम आप समझते हैं कि इसका हल जो है वो फुल कोर्ट के जरिए ही निकल सकता है कि इस वक्त जो एक नजर आ रही है देखिए अगर तो आ, अब चीफ जस्टिस साहब इस चीज को कंटिन्यू करते हैं इसी बेंच के साथ कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि ये मामला तो और खराबी की तरफ जाएंगे तो बेहतर है कि फुल कोर्ट जो है तश्कील किया जाए अव्वल तो अब जिस तरह की बहस आज हुई उससे बड़ी क्लैरिटी है कि जब आ, आपने ऑर्डर ही इशू किया तो देन इट शुड मामला ये, ये, ये <laughs> लेकिन अगर गर्मी में आउटडोर सिटिंग रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सोल्यूशन रॉयल सात जिंदगी पक्का रॉयल रूम कूलर पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ रॉयल सात जिंदगी पक्का वजे आजम पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानब ऐसी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब के 10 करोड़ अफराध के लिए तिरपन अरब रुपए की खतीर रकम पर मुश्तमिल रमजान रिलीफ पैकेज 2023 हजार तेईस जिसके तहत हर मुस्त खानदान को 10 किलो आटे के तीन थैले बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे ये सहूलत वो तमाम लोग हासिल कर सकते है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है ऐसे खानदान जिनकी महाना आमदनी साठ हजार रूपए कम है लेकिन वो बी में रजिस्टर्ड नहीं वो जल्द अज जल्द अपने करीबी बी आई एस पी सेंटर ऐसी से रब्ता करके खुद को रजिस्टर करवाए ताकि वो रमजान रिलीफ पैकेज की सहूलत ऐसी मुस्तफ हो सके मुफ्त आटे की ये सहूलत पच्चीस शाबानल मौजम तम पच्चीस मुबारक मैसर रहेगी अवाम नास मुफ्त आटा हासिल करने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जरूर हमरा लाए अपनी अहलियत जानने के लिए एट जीरो सेवन जीरो आरोप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें हुत पंजाब बिल्कुल हाफिज साहब ये फरमाए कि अभी आ, आगा करार साहब ने बात की आर्टिकल एक सौ चौरासी तीन और उसमें जो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं लिखा तो ये सुप्रीम कोर्ट है क्या इसकी क्या कम्पोजिशन है अगर हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उससे क्या मुराद है हमारी जरा पहले वाजे कर देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट होगी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक इसके अंदर तो दो राय नहीं है लेकिन उसके बाद ये है कि उसकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसको लेजस्लेचर्स ने आर्टिकल 191 के अंदर पावर दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही अपने इंटरनल रूल्स बनाए अब वो सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरनल अपने रूल्स बनाए 1980 के अंदर तो वहाँ पे जाके उन्होंने फिक्सेशन ऑफ केसेस का और कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच का जो अख्तियार था वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया और दुनिया के सारे ममालिक में भी तकरीबन इसी तरह होता है फिक्सेशन और फिक्सेशन ऑफ केसेस का या या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का ये का चीफ जस्टिस है और वो करते हैं लेकिन ये ये उस वक्त तक चीजें चलती रहती हैं कि जब आपका सिस्टम या आपके इदारे जो हैं वो एक पैरामीटर्स के अंदर और एक स्ट्रीम के अंदर चलते रहे hmm. लेकिन जब आपके इदारे जो हैं उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिफेक्ट आना शुरू होता है तो फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं और वही चीज़ आपके सामने ये आई है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इसके ऊपर कमेंट किया और हालांकि इससे पहले एक जजमेंट भी आई है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने एक सो मोटो लिया जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तुम का एक बेंच बैठा और उन्होंने बैठ के ये फैसला किया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुओ मोटो का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है किसी जज का नहीं है अच्छा एक सुप्रीम ये जरा समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स खुद वजह किए वो बनाए और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट ने अख्तियार दिया था अब पार्लियामेंट एक कानून साजी करने जा रही है

और तीसरा इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो केस वहाँ पे चल रहा है उस चीज़ के अंदर तो अगर कलेक्टिव विजडम आ जाए तो बेहतर है ये एक है लेकिन जो इशू यहाँ पे आएगा वो ये आएगा लेजिस्टिव कॉम्पिटेंस का जो है वो डेफिनेटली अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चैलेंज किया जाता है तो वहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये पार्लियामेंट की वन के अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इंटरनल प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए जो इख्तियार था वो 191 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दिया था तो क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल चीजों पे करे लेकिन, हाँ, लेकिन, लेकिन चीज एक स... एक थी सिर्फ वो थी कि अगर पार्लियामेंट टू थ्री मेजोरिटी के साथ one, 84, को अमेंड करती तो कोई और चीज इसके नहीं नहीं, नहीं वो नहीं हो सकती लेकिन वन नहीं। नहीं। नहीं के तहत पार्लियामेंट को इस्तेमाल इस करने से नहीं रोका कि वो प्रोसीजर या उसमें कोई तब्दीली अमेंडमेंट नहीं करती नहीं नहीं पार्लियामेंट मैंने आपसे जो गुजारिश की है रोका नहीं है लेकिन पार्लियामेंट ने यह अपना इख्तियार जो था वो सुप्रीम कोर्ट को दिया है

अगर कोई दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर भी हो जाए कि जी ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था तो फिर भी आप क्या समझते हैं कि इस पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो भी इस पर मौकाफ है या जो रिएक्शन है वो आएगा देखिए पहली बात यह सॉवरन कौन है पार्लियामान है या सुप्रीम कोर्ट है ये तो पहले हमें पहले ये फैसला है. क्योंकि पिछले जो मैंने कम से कम देखा है पिछले चालीस साल में तो आहिस्ता आहिस्ता स्लाइस करके छोटी छोटी तमाम पार्लिमान की ताकतें ले ली गई हैं यहां तक यहां तक आ गया हालात के, के आप ट्रांसफर है पोस्टिंग करने से भी जो है आप, आप, पहले पूछ रहे हमसे कि ये पोस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हैं। पार्लियामान और गवर्नमेंट दोनों की पावर्स और ताकतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं और शिफ्ट हो गई हैं तो अगर तो पार्लियामान को वाकई आप सुप्रीम समझते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट जो है कोई भी अपना अमेंडमेंट्स कर सकता है नया कानून बना सकता है और दूसरी बात अगर है ही अगर इनको जरूर है कि जी नहीं नहीं ये नहीं कर सकता है, तो फिर वो फिर फुल कोर्ट बनाए फिर वही बात है पांच पांच जजीज या तीन जजीज सारी उम्र ही फैसला कर करते नहीं लेकिन उसमें बात यही आ रही है कि जैसे अभी बात भी हुई और इस बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने तजिया पेश किया कि जब भी सियासी सवाल अदालत में आएगा सो लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी उस पे जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने जस्टिस मंदोखेल के बारे में एक उन्होंने बयान दिया जो कि मुनासिब नहीं था नहीं देना चाहिए था देखिए बात यह है कि सियासत को कैसे आप पार्लियामान से अदा कर सकते हैं हुँ. और पार्लिमान ही तो सियासत है और पार्लियामान डिवीजन है का नाम है पार्लिमान का नाम ही डिवीजन है दो राय होंगी एक इधर होगी एक उधर आए होगी और जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की या जो लॉ मेकिंग है वो पार्लियामान ने करनी है तो सियासत को आप लॉ मेकिंग से लादा कैसे कर सकते हैं वेरी right, राइट बिल्कुल ठीक डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा अब एक मामला और जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आज दोबारा तहरीकिन साहब के सरबरा के नाकबिल ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं उम्मीद करते हैं कि वो अदालत में पेश होंगे और जो गुज़त कुछ अरसे में हमने जो चीज़ें देखी मंजर मन, देखे वो पे सामने नहीं आएंगे तो एक सवाल यही कि एक तरफ अगर हम बात करते हैं अदलिया की रिस्पेक्ट और हर तरह रूल ऑफ लॉ फिर साथ, साथ खान साहब पेश भी नहीं होते माशा मेडिकली भी वो ठीक हैं पेश हो रहे हैं तो क्या वजह है कि ये आज केस में ये पेश नहीं हुए जिसके बाद ये फिर दोबारा से नाकबल ज़मानत वारंट जारी हो गए

तो उन्होंने फिर उसके बाद जब रिकवर हुए हैं तो उनको तो ये अच्छा चले ये बात अगर आपकी मैं तस्लीम भी कर लूँ तो मुझे बताएं फिर ये जो अदालती कार्रवाई है ट्रायल है तफ्तीश है ये आगे कैसे बढ़ेगी क्योंकि हमने तो कानून के तहत ही लेके आगे जाना है ना जी

कि कोई गैर जरूरी आदमी जो है वो अदालत के आते में या वहां पर अदालत के बाहर ना जाए या काफिले की सूरत ना बनाए तो बहुत आसानी हो जाएगी उनके लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि सिक्योरिटी फराम करें या नहीं जी बिल्कुल उन्होंने यह हुक्म दिया है जिस वजह से आप देखिए कि बहुत सारे वर्कर्स जो लाखों लोग होते हैं पहले दो पेशियों में थे वो अब नहीं गए और अब ये जो है ना कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम आप कोई रिस्क ले ही नहीं सकते क्योंकि कहीं से भी कोई मुकाबला पुलिस का या किसी किस्म की एनकाउंटर में आपको ये शूट भी किया जा सकता है ये जो मैं, इस मैं, इस मैं बहुत दफा पूछना चाह रहा हूँ आप रोशनी डाल दें ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये बड़ी बड़ी सेंसिटिव और सीरियस इन्फॉर्मेशन है कि जी उनको पुलिस मुकाबला ना हो जाए और बार बार वो मुर्तजा भुट्टो केस का हवाला देते हैं मतलब ये तो बड़ा ब्लेटेंट एलिगेशन है कि कोई प्लान हो चुका है और ये सारी बातें तो ये सिर्फ हवा में ही बात होती है या वाकई उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो देखिए जी अल्लाह ना करे ऐसा हो क्योंकि ये मुल्क अपने एक वजीर अज़म को फांस करके जी जी खो दिया और एक को बल्कि दो को अपने लियात बाग में शहीद कर दिया इन्हें चाहिए कि इन्हें वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कोर्स के साथ कम से कम कि इनको बात ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहां से है इनका सोर्स क्या है अगर मैं ये कहता रहूँ कि जी मेरी जान को खतरा है तो मैं जिस थाने में भी जाऊंगा तो वो मुझे पहला सवाल पूछेगा सर किसने आपको कहा और किससे खतरा है ठीक है किसने से खतरा है वो तो बता दिया किसने कहा ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक मैं इनकी एक मैं दो बातें बताऊं क्विकली क्विकली सर जी दो इन्होंने इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ खान अभी तक दो, दो दफा अदालत में पेश हुए वरना वो अदालत के गेट से बाहर से वापस आ जाते हैं पहली बात और मैंने बेनजी भुट्टो साहिबा को एक दिन में दो बच्चे उठा के एक गोद में और एक हाथ में तीन तीन कोर्ट्स में डालते देखा बिल्कुल सही निसार खोड़ो साहब अभी ये बात हो रही थी कि जब भी सियासी मामला अदालत में जाएगा तो लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी अदालत के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं जजेस के बारे में गुफ्तु जो है वो पब्लिक डोमेन में स्टार्ट हो सकती है आपने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो उसमें एक बड़ा अहम नुकता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क्याम और ये जो मामला हैं ये वहाँ पर जाएँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार आपकी हुकूमत आई फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई दो दफ़ा तो वो चीज़ नहीं हो पाई क्या वजह है इसकी कि ये इस पर काम नहीं हुआ अगर होता तो आज ये वाली बहस जो है हम ना करते भाई आप ठीक कह रहे हो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में काफ़ी सारी चीज़ें थीं जिसपे कुछ पे हो सकता है अमल हुआ हो कुछ पे नहीं हुआ ट्रूथ एंड रिकन्सिलियशन पर अमल नहीं हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का असर नहीं हुआ एक दो और चीज़ें हैं जिस पर भी अमल नहीं हुआ अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हमने दी थी तो बहुत सी पार्टियों ने हमें नुकतची नहीं की थी ये हमारे और मुस्लिम लीग नवाज के बीच में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन uh, हुआ था जब दूसरी पार्टियों की तरफ भेजा गया तो उन्होंने बड़ी नुक्तची नहीं की थी यानी उसको उठते ही स्कटल करने की कोशिश की गई थी मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी काम करने की जरूरत है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है इसमें जब अठारहवीं तरमीम हुई तो सूबाई खुदमुख्तारी पर भी एक राय आई कि अभी जो हम चाहते थे मिले वो अभी नहीं मिली यानी सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन में अभी और गुंजाइश है कि हम उस पर और बेहतर कर सकते हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी बेहतर कर सकते हैं मेरी हम बोल रहा है यही है उसमें हमें किसी ने रोका नहीं है उस पर काम होना चाहिए और दिल जमाई के साथ काम होना चाहिए बिल्कुल ठीक राणा साहब अब आप इसी साल के आखिर में इंतबात होते देख रहे हैं क्योंकि फिर तो Uh, ये भी एक सवाल आ रहा है कि अगर हालात खुदा ना खासा ठीक नहीं होते सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं होती तो शायद इस साल के आखिर तक भी मुमकिन ना हो तो आप नहीं समझते वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट और किसी भी किस्म के एलूजन में ना रखें आवाम को